आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं तुगलकाबाद विधानसभा में और यहां पे यहां के विधायक के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा जो दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं रमेश भिदुड़ी, कुछ दिन पहले 31 अक्टूबर को जब रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हुआ था जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था गुजरात में, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलग अलग जगहों पर यह रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया था और खासकर संगम विहार विधानसभा में, जब ऐसा माना गया कि वहाँ के जो युवा अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से उनके साथ मारपीट की गई। बाद में ये पता लगा कि रमेश भिदुड़ी के गुंडों ने आकर ये सब किया है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी रमेश भिदुड़ी का यहाँ पे पुतला जलाया गया है और सारी की सारी जनता और खासकर पूर्वांचल वासी ये मांग कर रहे हैं कि रमेश भिदुड़ी को सांसद के पद से हटा दिया जाए। विधायक जी क्या कहना है ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं? रमेश भिदुड़ी कहते थे कि मैंने बहुत विकास किया है, सांसद हैं आपके क्षेत्र के, लेकिन आज सारे के सारे पूर्वांचल वासी उनको हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, उसका विकास तो आपको यही नजर आ जाएगा कि पिछले 4.5 साल में कम से कम उसने 10 बार पूर्वांचल के लोगों को मारा है, पीटा है, धमकाया है। 1 महीने पहले ही उसने वार्निंग दी थी कि यूपी बिहार के पूर्वांचल के जो भी लोग आते हैं उनसे 1 महीने आप काम कराओ और उनको लात मार के फिर भगा दो। उसका एग्जाम्पल दे दिया उसने विकास का 4 दिन पहले आपके सामने है। और एक केस नहीं है ये, करीब पिछले 4.5 साल में 10-12 केस ऐसे। सर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही मारपीट, और एक ही पार्टी का कार्यकर्ता दूसरे सांसद के साथ सांसद मारपीट करवाता है, ये कुछ समझ नहीं आया। ये तो सांसद से पूछो ना जाके, क्यों मारा उस गरीब आदमी को पूर्वांचल का? इसलिए वो गाली बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो मेहनत करके यहाँ कमा के खाता है, इसलिए क्यों कुछ गुलामी करेगा पूर्वांचल उनकी। सर, और नवोदय पेपर है जो इसमें पूरी क्लिपिंग छापी है कि उन्होंने बिहारियों को भी कुछ उल्टा बोला है, ये कि चल बे बिहारी, ऐसा कुछ शब्द आया निकल के। लेकिन सांसद जी का ये कहना है जब उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कि जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन मैं वहाँ पे था ही नहीं, मेरे ऊपर राघव चड्ढा जी आरोप लगवा रहे हैं, सारे विधायकों के साथ मिलकर साजिश रची जा रही है। राघव चड्ढा जी थे क्या वहाँ? वो क्लिपिंग बता रही है, मारपीट से पहले वो खुद बोल के गया है। और खाली बिहारी नहीं कहा उसने, मैं उन शब्दों का यहाँ उपयोग नहीं कर सकता जिस भाषा का उन्होंने वहाँ प्रयोग किया है। एक सभ्य समाज इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, और वो वहाँ प्रेजेंट थे। सर, अब जनता कह रही है कि उनको सांसद पद से हटा दिया जाए, आपका क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ उसके खिलाफ और उसके गुंडे साथियों के खिलाफ तुरंत FIR लॉज हो, उसके बाद आगे की उनके खिलाफ कार्रवाई हो।